अच्छा, हम एक 500 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान ड्रॉ करने वाले हैं। इसका जो साइज़ है 20 फीट इसकी विड्थ एंड 25 फीट इसकी लेंथ है। सो चलते हैं, ड्रॉ करते हैं उसका प्लान। सो ये हमारा आज का प्लान है। इसकी जो विड्थ है वो 20 फीट की है एंड इसकी जो लेंथ है वो 25 फीट की है। हमारी ये जो विड्थ है वो 20 फीट की है एंड इसकी ये जो लेंथ है वो 25 फीट की है। फर्स्ट हमारा ये गेट आ जाता है। गेट की जो विड्थ है वो 7 फीट की है। सेवन फीट वाइड हमारा ये गेट है। गेट से एंटर करते हैं हमारा पैसेज एरिया आ जाता है। हमारी पैसेज का जो साइज़ है उसकी जो विड्थ है वो 5 फीट की है एंड इसकी जो लेंथ है वो 10 फीट की है। पैसेज के ही राइट साइड में हमारा स्टेयर्स का एरिया आ जाता है। हमारी स्टेयर्स की जो विड्थ है वो 3 फीट की है। हमारी स्टेयर्स की जो ये विड्थ है वो 3 फीट की है। स्टेयर्स के नीचे का जो पोर्शन है वो हम वाटर टैंक वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। पैसेज से हम एंटर करते हैं हमारे लिविंग रूम के अंदर। लिविंग रूम का जो हमारा साइज है वो 9 फीट बाय 12 फीट का है, जिसमें कि 9 फीट हमारी विड्थ है एंड 12 फीट हमारी लेंथ है। हमारी ये जो विड्थ है वो 9 फीट की है एंड इसकी जो लेंथ है वो 12 फीट की है। लिविंग रूम से हम एंटर करते हैं हमारे किचन एरिया के अंदर। किचन का जो हमारा साइज है वो 9 फीट इसकी विड्थ है एंड 7 फीट इसकी लेंथ है। हमारी जो विड्थ है वो 9 फीट की है एंड इसकी जो लेंथ है वो 7 फीट की है। यहाँ से हम एंटर करते हैं हमारे बेडरूम के अंदर। बेडरूम का जो हमारा साइज है वो भी सेम एज लिविंग रूम है। इसका भी जो साइज है वो 9 फीट इसकी विड्थ है एंड 12 फीट इसकी लेंथ है। 9 फीट हमारी ये विड्थ है एंड 12 फीट इसकी लेंथ है। देन यहाँ से हमारा WC आ जाता है। WC का जो हमारा साइज है वो 3 फीट इसकी विड्थ है, 3 फीट इसकी विड्थ है एंड 4 फीट इसकी लेंथ है। 3 फीट हमारी ये विड्थ है एंड 4 फीट इसकी लेंथ है। देन हमारा बाथ आ जाता है। बाथ का जो हमारा साइज है 4 फीट इसकी विड्थ है एंड 7 फीट इसकी लेंथ है। हमारी जो विड्थ है वो 4 फीट की है एंड इसकी जो लेंथ है वो 7 फीट की है। इसमें लिविंग रूम में हमने दो विंडोज़ प्रोवाइड किए हैं, जिसमें कि हमारी फर्स्ट विंडो जो है उसका जो साइज़ है वो 3 फीट इसकी विड्थ है एंड 4 फीट इसकी हाइट है। सेम हमारा जो दूसरा विंडो आ जाता है उसकी जो साइज़ है 4 फीट उसकी विड्थ है एंड 4 फीट उसकी लेंथ है। किचन में भी हमने दो विंडोज़ प्रोवाइड किए हैं, जिसमें कि हमारी फर्स्ट विंडो का जो साइज़ है वो 3 फीट उसकी विड्थ है एंड 4 फीट उसकी हाइट है। सेकेंड विंडो का भी सेम साइज़ है, 3 फीट उसकी विड्थ है एंड 4 फीट उसकी हाइट है। WC एंड बाथ में जो हमने विंडो प्रोवाइड किया है उसका जो साइज़ है वो 1 फीट 6 इंचेस विड्थ है एंड 2 फीट उसकी लेंथ है। बेडरूम के अंदर जो हमारा विंडो है उसकी जो साइज 3 फीट उसकी विड्थ है एंड 4 फीट उसकी हाइट है। यह हमारा स्टेयर्स के नीचे का जो पोर्शन है वहाँ के लिए हमने एक विंडो प्रोवाइड किया है। इसकी जो साइज़ है वो 3 फीट उसकी विड्थ है एंड 4 फीट उसकी हाइट है। इसमें जो हमारा एंट्री का डोर है उसकी जो साइज़ है वो 3 फीट उसकी विड्थ है एंड 7 फीट उसकी हाइट है।
बेडरूम का जो हमारा डोर है उसकी जो साइज़ है वो 2 फीट 6 इंचेस उसकी विड्थ है एंड 7 फीट उसकी हाइट है। WC एंड बाथ में जो हमने डोर प्रोवाइड किया है उसकी जो साइज़ है वो 2 फीट 6 इंचेस है एंड हाइट जो है वो 6 फीट की है। हमारे इस प्लान में जो हमारी आउटर वॉल्स है, जो कि हमारी ये आउटर वॉल्स है, उनका जो साइज़ है वो 9 इंचेस का है एंड जो हमारी ये इंटीरियर वॉल्स है, जो कि पार्टीशन वॉल्स है, उनका जो साइज़ है वो 6 इंचेस का है। हमारा ये जो ओवरऑल प्लान है वो 500 स्क्वायर फीट का है, जो कि 20x25 स्क्वायर फीट का प्लान है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 lakhs आएगी, जो कि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। सो यही था हमारा आज का एक छोटा सा प्लान।